इन अभी हमारे साथ रतन नंबर वार्ड के काउंसिलर जनाब निजामुद्दीन सम साहब है, जो कि वो भी यहाँ पर CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर, आज आप लोग 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिलसिले में कुछ बताएं। काबिले मुबारकबाद हैं इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी, जिन्होंने पिछले 15 दिनों से रोज़ाना रास्ता पे उतर कर NRC और CAB के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा मगरी बंगाल में NRC CAB लागू करने नहीं दूँगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बंगाल के आवाम से अपील करना चाहेंगे कि आइए हम सब सियासी सतह से ऊपर उठकर इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जो आवाज़ दी है उनका भरपूर साथ दें, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस तहरीक को और पुरजोर करने की ज़रूरत है, ताकि इसकी गूंज की आवाज़ दिल्ली के मसनद में बैठे हुए शाह और मोदी की सरकार को समझ में आ जाए कि मगरी बंगाल अगर जाग जाएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, और मगरी बंगाल जागा हुआ है। मैं एक बार फिर यहाँ के आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी अभी इधर उधर खामोश बैठे हैं, आज ज़रूरत आ पड़ा है कि हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर, तमाम सेकुलर जहन के लोगों को मुत्तहिद होकर एक आने की ज़रूरत है, और ये आंदोलन कोई 2-4 दिनों की आंदोलन नहीं है। हम फेसबुक में, सोशल मीडिया पे 2-4 बातें लिखकर अपनी जिम्मेदारी निभा लें, ऐसा जो लोग सोच रहे हैं मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि ये आंदोलन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के मरकज में बैठी शाह और मोदी की हुकूमत NRC और ये CAB को वापस नहीं ले लेती है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा होने से नहीं रोक सकता है। इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क की एकता को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आज ज़रूरत आ पड़ी है कि एक बार फिर जिस अंदाज से हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 90 बरसों तक के अपनी जाने गंवाई, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, ठीक उसी तरह से 73 बरसों बाद हम तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस सरकार को दिल्ली की मसनद से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों को दूसरी जंग आज़ादी का ऐलान करना होगा। अगर हम लोग ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो आने वाली नस्लें हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। शुक्रिया सर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।